सो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आ गए हैं आप लोगों के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप जानते ही होंगे, श्रद्धानंद मार्ग एक विख्यात मार्गों में से एक माना जाता है। तो इसका दूसरा नाम गार्डन बास्टिन भी है, जो कि आप फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, जीबी रोड। सो हम आ गए हैं इस रोड पर और चलिए जानते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से वीडियो में जानकारी देता हूँ ऐसी जगहों के बारे में, लेकिन आज मैं खुद ही शिकार हो गया इस चीज़ का। मुझे पता ही नहीं चला, और वो कैसे हुआ आप लोगों को बता दें। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ऐसे रोडों पर दलाल होते हैं, जैसा कि दिल्ली का एक विख्यात 64 नंबर बहुत ही ज़्यादा देश में विख्यात है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर जाना पसंद करते हैं और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। लेकिन मैं कैसे इन लोगों के झांसे में आ गया, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, बल्कि दिखाने ही वाला नहीं, आपको सुनाने वाला भी हूं। तो जब मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस रोड पर पहुंचा, तो मैं इधर उधर देख रहा था कि आखिर कोटा नंबर 64 कहां पर है। तो इधर उधर मैं उस रोड पर देख रहा था, वैसे ही एक लड़का मेरे साइड से ही जाता है और मुझसे पूछता है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो भाई उसने देखो किस तरह से दिमाग चलाया, उसने मेरा नाम रख दिया कि मैं फोन वगैरह पकड़ के बैठ जाऊंगा, उसका फोन सामान पैसे वगैरह। तो ऐसे नहीं, आप फोन पैसे तो भाई देख रहे हो, मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा। तो मतलब इस तरह से वो मुझे मना लेता है कि मुझे भी लगता है कि हाँ दो बंदों में हिम्मत हो जाएगी, इसलिए मैं चल देता हूँ। भाई ऐसे लोग मिलते हैं भाई फंसाने के लिए, और मैं उसके साथ चला भी जाता हूँ। और देखिए भाई किस तरह से मतलब हिम्मत माननी पड़ेगी, ऐसे लोग कैसे मतलब अपने जाल में फंसा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता भाई कि आखिर ये राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या ये सही है या फिर गलत। हम खुद ही सोचते हैं कि क्या सब मैं सही कर रहा हूँ। मैं उस वक्त जो है उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ, नीचे दिखाता है कि हाँ 64 नंबर है, तो ऊपर चढ़े चले जाते हैं कि हाँ भैया ऊपर ही है सीधा। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे मतलब मैं भी इतना गया नहीं था ऐसा, मैं 64 नंबर पहली बार ही गया था, तो इसलिए मैं भी कन्फ्यूज हो गया। तो अब पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है, पहले तो वीडियो में ही देखा था, अब पता चला कि हाँ रियलिटी में ऐसा होता है भाई। तो इसलिए जब भी भाई आप लोग जाएँ ना, सतर्क होके जाएँ, ऐसे लोग मिलते ही हैं भाई। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, देखिए भाई बैठ गए हम लोग, और फिर उसके बाद जो है वो लोग आते हैं, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, मेरा फ़ोन वगैरह चेक करने लगते हैं, मेरी बैग जेब सारी जेब कपड़े सब चेक कर डाले भाई। फिर मैं वापस आता हूँ भाई, वहाँ से रुपए काट लेते हैं मेरे, 250 रुपए थे वो, 250 में से आधे मेरे रुपए दिए ही नहीं, आधे रुपए काट लिए कि मेरे भाई चार्जेस है आने के, चाहे करो या ना करो बिल्कुल। तो ऐसे भाई मेरे पैसे काट लिए, और ये तो मतलब शुक्र मनाओ कि मेरे पैसे ही काटे भाई, नहीं तो लूट लेते हैं पूरा, फोन फोन कुछ नहीं छोड़ते भाई, ऐसा होता है यहाँ पर दिल्ली में। इसलिए भाई हमेशा सतर्क होके जाएँ और अकेले ना जाएँ। मैं तो भाई अकेला था इस बार, भगवान का शुक्र है भाई, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर पाया ऐसी जगह और मैं बच पाया भाई। तो 120 ही रुपये गए, ये तो भगवान का शुक्र है भाई। आप लोग जब भी जाएं भाई, अगर जाने की सोच रहे हैं तो भाई इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कर दें, अगर कोई यहाँ पे जाने के बारे में सोच रहा है तो। ऐसा भी हो सकता है भाई, अगर नए हैं ना आप तो ऐसा हो सकता है, नए हैं और पुराने हों, किसी और के बातों में ना आए, आप जहाँ जा चुके हैं वहीं पर जाइए भाई। 64 नंबर वो सिक्योर मानी गई है जगह। अब ये तो मुझे पता नहीं ये 64 नंबर था या कौन सा नंबर था, मुझे खुद नहीं पता, नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊंगा आपको बताऊंगा भाई।
बाकी अगर आप में से कोई गया है या फिर जाता रहता है तो वो भाई ज़रूर एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि वाकई में 64 नंबर क्या सेफ एंड सिक्योर है। बाकी आपका क्या मानना है, ऐसी जगहों पर जाना चाहिए हमें या फिर नहीं है? ठीक है, बाकी ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे नई अगली वीडियो में। और जो भी जाना चाहता है ऐसी जगहों पर जाने के बारे में सोच रहा है तो भाई उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।